अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं सबके और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आज मैं आपको जो वीडियो है ना वो शेयर करने वाली हूँ फ्रिज क्लीनिंग की, और साथ में मैं आज बनाऊँगी वेजिटेबल फ्राइड राइस। तो वीडियो को स्टार्ट करने लगी हूँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पे अभी इस वक्त ना, आज वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे कुछ करूँगी फ्रिज वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस काम में, लेकिन बस कुछ ये था कि फ्रिज थोड़ा सा गंदा भी हुआ हुआ था, बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा जम रही थी, और ये मैंने शायद लास्ट टाइम जो बड़ी थी तो मैंने तभी ये साफ़ किया था, तो उसके बाद दोबारा मैंने किया ही नहीं था। वैसे ही हल्का फुल्का साफ़ तो करते ही रहते हैं, लेकिन ज़्यादा सही तरह से नहीं था किया। तो बस ये था कि आज लाइट गई हुई थी और फ्रिज में जो बर्फ़ थी ना वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो रही थी, तो मैंने सोचा कि फिर आज ही सफाई कर लेते हैं इसकी। तो बस यहाँ पे पहले, सबसे पहले तो मैंने फ्रीज़र को जो है बिल्कुल खाली कर दूँगी, ताकि जो है ना पहले फ्रीज़र जो है वो मेल्ट होने के लिए मैं उसको छोड़ दूँ। और कुछ लोग तो बड़ी टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं। मतलब अगर आप ये जो लंबा सा काम है और इसको जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं तो आप स्टीम भी बना सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। उसके लिए आप पानी जो है किसी डेगची में या पैन में बॉईल करके, तो वो डेगची जो है आप फ्रीज़र में रख दें, तो स्टीम से जो है ना बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल जाती है, फिर आप अच्छे से उसकी सफ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं सारी जो चीज़ें हैं डोर में से निकाल लूँगी। यहाँ पर आपको दिखा रही थी लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी ख़त्म हो रहा था, और ये वो पेस्ट था जो मैंने ऑयल के साथ बनाया था। तो लेकिन जो बाकी मैंने पानी के साथ बनाया था, जो कि मैंने क्यूब्स बना रखे हैं, वो तो अभी तक यूज़ हो रहे हैं और तकरीबन एक हफ़्ता और आराम से निकल जाएगा। तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं वो भी जल जो है ना पेस्ट उसका बना लूँ, और मैं इस दफ़ा फिर से कुछ पेस्ट जो है वो ऑयल से ही बनाऊँगी, और कुछ जो है वो मैं पानी से बना के तो उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी क्यूब्स की शक्ल में। तो बस यहाँ पे देखें, फ्रिज से मैंने जो भी ट्रेज वगैरह थे और जो उसके स्टैंड्स होते हैं डोर के, वो सब मैंने सेपरेट कर दिए हैं। कुछ लोगों के वैसे रिमूव हो भी जाते हैं, और वैसे ज़्यादातर सबके रिमूव हो जाते हैं, तो अगर ना भी हो तो आप किसी कपड़े से या जो भी आप फोम वगैरह यूज़ करते हैं आप उसके थ्रू भी साफ़ कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर ना इन सबको साफ़ करने के लिए, और मैंने फ्रिज को भी साफ़ करने के लिए अंदर से, मैंने जो है जो हम लोग डिश वॉशर यूज़ करते हैं आप सेम वही यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई दाग वगैरह या स्टेन रह जाता है, अच्छे से साफ़ हो जाते हैं सारे स्टैंड्स भी और डोर भी, और फ्रिज के अंदर से भी क्लीनिंग हो जाती है। बस यहाँ पे मैं इनको वॉश करके ना तो किसी ये बास्केट में ऐसे रख दूँगी, उससे क्या होगा कि ये ड्राई होते रहेंगे, और जब तक ये ड्राई होंगे तब तक मैं अपनी फ्रिज की सफ़ाई कर लूँगी, और जब नीचे वाला फ्रिज साफ़ हो जाएगा तो फिर मैं ऊपर वाला जो पार्ट है वो भी साफ़ कर लूँगी। आज ये था कि क्योंकि हमने खाना नहीं था बनाना, और क्योंकि एक दिन पहले हमने बनाई थी चने की दाल जो कि ज़्यादा नहीं थी खाई गई और वो अभी तक थी, तो हमने सोचा था कि हम वही खा लेंगे और ज़्यादा खाना नहीं था बनाना। तो फिर जो है मैंने सोचा कि चलो इसकी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि वरना इस टाइम जब खाना बनना होता है ना और फिर ये साथ अगर आप फ्रिज साफ़ करने लग जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, खाने में भी देर हो सकती है, लेकिन क्योंकि आज खाने में इतना प्रॉब्लम नहीं था मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि इसकी सफ़ाई कर लेते हैं। लेकिन ये हुआ था कि मुझे थोड़े से फ्राइड राइस जो हैं वो बनाने ही पड़े थे, लेकिन फ्राइड राइस बहुत जल्दी बन जाते हैं और रेसिपी बहुत मज़े की है, और चिकन के बगैर मैं आपको बनाना सिखाऊँगी, लेकिन फ़्लेवर इसका बहुत मज़े का आता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस यहाँ पे देखिए, जो भी मैं कपड़ा वगैरह या जो भी आप फोम यूज़ करते हैं या ग्रीन स्कॉच यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं आप, उसको उसके साथ ही आप फ्रिज को साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं पानी लेके तो मैं ऐसे ही इसके अंदर डाल रही थी ताकि जो है जल्दी ज़रा साफ़ हो जाए। तो बस यहाँ पे इसको मैं फिर बाद में किसी क्लॉथ से ड्राई भी कर लूँगी, क्योंकि ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिल्कुल ऐसे गीले गीले में ही सारे या कुछ ऐसी छोड़ देंगे तो सारी सी बात है दोबारा से फिर वैसे ही जल्दी वो गंदा हो जाएगा।
बस यहाँ पे देखें ये जो है अच्छे से साफ़ हो गया हुआ है और ड्राई भी कर दिया था मैंने। तो अब बारी है जो ऊपर वाला फ्रीज़र है, और देखें इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम रही थी कि ऊपर जो पानी के बॉल थे वो भी बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके थे, वो निकल ही नहीं था रहा। तो फिर मैंने ये जो फ्रीज़र के साथ जो स्पैचुला मिलता है तो मैंने उसी के थ्रू सारी जो बर्फ़ है वो भी निकाल ली थी, और ये देखें बॉल अब निकल ही आए हैं और कितनी ज़्यादा बर्फ़ जो है वो भी निकल रही है। तो बस इसमें आप कोई नाइफ़ वगैरह या कोई जो स्पून होते हैं स्टील के आप मत यूज़ करें, ताकि उससे क्या होता है गैस रिलीज़ हो सकती है फ्रिज की और फ्रिज जो है वो डैमेज हो सकता है। तो बेहतर यही होता है कि जो स्पैचुला दिया होता है उन्होंने फ्रीज़र के साथ जो फ्रिज के साथ आता है तो आप उसके साथ ही बर्फ़ को निकाल लें। तो बस यहाँ पे फ्रीज़र जो है वो अच्छे से साफ़ हो चुका था, मैंने एक यहाँ पे कपड़ा लगा दिया था जो बॉटम में लगाती हूँ उसके, वो मैं तो नहीं लगाती लेकिन ये है कि जब मेरी जो सास है वो शुरू से लगाती हैं तो फिर मैं भी उसी कपड़े को ऐसे ही फैला देती हूँ उसको अच्छे से, और उसके ऊपर जो है वो चीज़ें रख देती हूँ। उससे क्या होता है वैसे कि चीज़ें जो है ना वो नीचे अच्छे से जो वरना वो जम जाती हैं फिर निकलती नहीं है, तो वो इतनी ज़्यादा जमती नहीं है, वो आराम से निकल आती हैं। और बस यहाँ पे सफाई के बाद अब ड्राई मैंने कर लिया था और अब जो चीज़ें हैं वो मैं एडजस्ट कर रही हूँ, और ये सब सॉसेस वगैरह और कुछ बॉटल्स वगैरह ये सब मैं ऐसी रख रही थी। कुछ मैंने सोचा नहीं था कि किस तरह से एडजस्ट करना है या किस तरह से सेट करना है सब कुछ, तो बस रखते रखते साथ में खुद ही सोच रही थी और जिस तरह से मुझे समझ आ रही थी तो मैं इसको एडजस्ट करती जा रही थी और सेट करती जा रही थी। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, और इसके अलावा आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, और साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस यहाँ पे सब चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट सेट हो चुकी थी, और वेजिटेबल बॉक्सेस भी जो हैं वो मैंने ऐसे ही रख दिए थे। अच्छा वेजिटेबल बॉक्स मैंने ज़्यादा अंदर से साफ़ नहीं थे किए, वो फिर मैंने नेक्स्ट डे जो है जो बॉक्स हैं वो अंदर से भी साफ़ कर लिए थे, और वेजिटेबल्स वगैरह क्योंकि वेजिटेबल्स को भी निकालना था फिर उनको साफ़ करना था तो फिर उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाना था, और मुझे इस टाइम जो है वो खाना बनाना शुरू करना था तो इसलिए फिर मैंने इनको नहीं था छेड़ा। तो बाकी जो है वो मैंने सारा अच्छे से साफ़ कर लिया था, और यहाँ पर देखें फ्रिज अच्छे से सेट हो चुका है, फ्रीज़र भी सेट हो गया था। तो आपको कैसा लग रहा है और बिफ़ोर एंड आफ्टर आपको टाइटल में नज़र आ चुका होगा, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप जो है फ्रिज की क्लीनिंग कैसे करते हैं, तो अगर उसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक यूज़ करते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ बस अब मैं बनाने लगी थी वेजेज फ्राइड राइस, और इसमें मैं बिल्कुल भी चिकन यूज़ नहीं करूँगी लेकिन फ़्लेवर इतना मज़े का आया था तो आप लोग ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने 3 to 4 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ले लिया था, और इसके अंदर सबसे पहले जो प्याज है उसको जूलियन कट कर लिया था मैंने, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने गाजर शिमला मिर्च बंद गोभी और टमाटर ले लिया था, और इन सबको मैंने जूलियन ही कट किया था। साथ में यहाँ पे फ्राइज़ भी बना रही है क्योंकि फ्राइज़ जो है ना वो मुझे राइस में बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने उनको भी बिल्कुल जो लंबाई में ही काटा था मैंने जिस तरह से फिंगर फ्राइज़ होते हैं, और आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं वेजिटेबल्स को, आप चाहें तो जो ये फ्राइज़ हैं इनको आप गोल गोल भी कट कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे अब मैं जो है सबसे पहले जो प्याज है ना उसको ऑयल में फ्राई कर लूँगी, और आपने बिल्कुल भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इतना नहीं कि इसका कलर चेंज हो जाए, बस जब ये हल्की सी सॉफ्ट होंगी ट्रांसपेरेंट सी हो जाएंगी ना तो आपने इसके अंदर जो बाकी वेजीज हैं वो सब ऐड कर देनी है। अच्छा यहाँ पे ना सेपरेट मैं क्या कर रही हूँ, पानी बॉईल करने के लिए मैंने रखा है, क्योंकि अभी मैंने आपको शायद दिखाया था कुछ राइस दिखाए थे तड़के वाले चावल थे जो मैंने एक दिन पहले बनाए थे दाल के साथ ही, तो वो काफ़ी ज़्यादा बचे हुए थे तो उसी के साथ ही पहले मैं फ्राइड राइस बनाने लगी थी, लेकिन थोड़े मुझे चावल कम लग रहे थे तो मैंने फिर ऑलमोस्ट 1 ग्लास जो है ना चावल जो है वो साथ बॉयल कर लिए थे। तो बस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप तड़के वाले चावल या फिर बॉयल चावल एक साथ यूज़ कर रहे हैं, फ़्लेवर बहुत अच्छा आता है क्योंकि उसमें ऐसा कोई ख़ास हमने स्पाइसेस नहीं ऐड किए होते, सिर्फ एक नमक ही डला होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास तड़के वाले चावल हैं तो आप उससे भी फ्राइड राइस ईजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए मैंने जो वेजिटेबल्स थी वो सारी इसमें एक साथ ही ऐड कर दी हैं, तो यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर काली मिर्च, और काली मिर्च यहाँ पे मैंने जो है इसके अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून इस वक्त ऐड की है, और यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अच्छा चावल की जो क्वांटिटी है ना वो टोटल मैंने आप समझ लें कि 2 ग्लास ली थी, जो पानी के बड़े ग्लास होते हैं ना
तो वो मैंने 2 ग्लास ले लिए थे। तो यहाँ पे वैसे तो मैंने तड़के वाला चावल यूज़ किए थे, लेकिन मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ कि अगर आपको पकाने हो तो आप इन वेजिटेबल्स के लिए 2 ग्लास मैंने लिए थे, और उसके हिसाब से मैं आपको बाकी चीज़ों की क्वांटिटी बताने लगी हूँ। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी आपको पसंद हो। और मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर और जो सॉल्ट है वो ऐड कर दिया हुआ था, और अब मैंने यहाँ पे सोया सॉस ऐड किया था 1 टेबल स्पून, चिली सॉस ऐड किया था 2 टेबल स्पून, और मैंने विनेगर ऐड किया था 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मेरे पास ना चाइनीज़ सॉल्ट था, तो चाइनीज़ सॉल्ट जो है वो बिल्कुल जो है ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने तकरीबन जो है 1 टीस्पून लेवल जो है ना वो ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने सॉल्ट भी ऐड किया था। इसके अलावा तड़के वाले चावलों में भी और बॉइल्ड चावलों में भी नमक होगा, तो मैंने ज़्यादा नमक नहीं था ऐड किया। तो यहाँ पे बस मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और थोड़ा सा मैं वेजिटेबल्स को अच्छे से ही फ्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे जो कच्ची एक सब्ज़ियाँ होती हैं ना वो अच्छी नहीं लगती हैं, तो उनका जो बिल्कुल कच्चापन है ना वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ और उनको अच्छे से ही फ्राई करती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा भी कुक नहीं करना कि वो बिल्कुल सॉगी सी हो जाए और बहुत ही सॉफ्ट हो जाए, तो आपने बस उनको हल्का सा बस करना है कि उनका क्रंच जो है ना वो बरकरार रहे। तो यहाँ पर ना मैंने क्या किया था, थोड़ी सी कैबेज और ऐड कर ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि राइस जो है वो ज़्यादा ना हो जाए और ये जो मिक्सचर है जिसका ये कम ना हो जाए, तो मैंने थोड़ी सी जो है ना कैबेज वो और ऐड कर ली थी। तो यहाँ पे बस मैं इनको स्टर फ्राई करके, तो मैंने साथ जो बॉयल्ड राइस थे वो भी मैंने चावल उसके अंदर ऐड कर दिए थे, नमक डाल दिया था मैंने उसके अंदर, और अच्छे से उनको बॉयल आने पे जो है एक कनी रहने पे तो मैं उसको जो है ड्रेन कर लूँगी। यहाँ पे देखें, जब वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो जाएंगी ना, तो मैंने एंड पे फ्लेम ऑफ करके जो ये फ्राइज़ है ना वो ऐड किए हैं। अगर आप फ्लेम ऑन करके फ्राइज़ ऐड करेंगे और मज़ीद और कुक करेंगे तो जो फ्राइज़ हैं वो भी सॉगी हो जाएंगे। तो आपने फ्राइज़ को ऐसे ही खड़ा खड़ा सा रखना है, क्रिस्पी सा रखना है, क्योंकि वो ऑलरेडी सारे कुक हैं। तो बस मैं यहाँ पे इनको डाल के तो बस मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे जो है बॉयल चावल हो चुके थे, तो उनको मैंने साइड पे रख लिया था, और उसी जो डेगची में है, डेगची में मैंने क्या किया था, जो तड़के वाले चावल हैं सबसे पहले मैंने उसकी लेयर लगाई है, और क्योंकि बिल्कुल ये ठंडे चावल थे, फ्रिज से निकले हुए थे, तो ताकि ये जल्दी जो है वो गर्म हो जाए, इनको हीट ज़्यादा मिले नीचे से तो ये जल्दी गर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट लेयर जो है वो जो मिक्सचर है मेरे पास वेजेस का वो मैं ऐड कर रही हूँ। और अच्छा, मुझे एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि ये जो मिक्सचर है वेजिटेबल्स का, इसके अंदर मैंने एक चिकन क्यूब भी ऐड किया था, तो मैंने आपको दिखाया होगा पर मुझे आपको बताना याद नहीं रहा। तो बस वो आपने एक चिकन क्यूब जो है वो भी लास्ट में ऐड करना है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। आपको पानी में मिक्स करने की या वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसी चिकन क्यूब ऐड कर देंगे वो अच्छे से उसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने बॉयल्ड जो राइस थे वो भी ऐड कर दिए थे, और साथ में जो बाकी जो मिक्सचर था वो भी ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ना मैं 1 टेबल स्पून सोया सॉस अब ऐड कर रही हूँ, और 1 टेबल स्पून जो चिली सॉस है वो भी राइस के ऊपर अब ऐड कर रही हूँ। तो टोटल मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना वो ऐड किया, लेकिन चिली सॉस मैंने 3 टेबल स्पून ऐड किया। तो यहाँ बस ये देखिए, मैंने 5 से 6 मिनट दम पे रखा था और चावल जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो बस अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और ये रेसिपी बहुत मज़े की है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।